249 है अपनी गॉड वाली। व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, व्हाट अप मैन, सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हमारा फाइनल डे इन बैंकॉक है। मैं कल रात को रियलाइज़ कर रहा था, पता ही नहीं चला कब 7 दिन चले गए बैंकॉक में। पता चला और एक्सटेंड करने का मन कर रहा है। हमें पटाया वगैरह जाने का काफ़ी मन कर रहा है, बट हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूमनी थी और घाई घाई में नहीं करना था हर चीज़, क्योंकि व्लॉग वगैरह घाई घाई में नहीं होता है। एनीवेज, अभी हम लोग सुबह को आए हैं। यहाँ पर एक पास में ही हमारे एक होटल है जहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिलता है, तो हम लोग ने वहाँ पर पे करके मैं और बीटी एक बफे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये है बाय द वे मेरा वेजिटेरियन मील, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके सिवाय मेरे को पूरा दिन कहीं भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिलने वाला है। तो मैंने लिया है लेटिस, चीज़ एंड पोटैटो, मेयोनीज एंड चीज़ सलाद। फिर मैंने वाटरमेलन लिया है, ये मस्कमेलन लिया है, एंड फिर एक पैनकेक लिया है, एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। मीठा है, बहुत बढ़िया है। खाना खाने के बाद निकलते टाइम मिलता है, बाय। भाई पहली बार ऐसा लग रहा है कि इन 7 दिनों में मैंने कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करा है, वरना तो सुबह सुबह नहीं ब्रंच ही होता था सीधा। आज हम लोग जा रहे हैं जू में, जहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स, लायंस, डॉल्फिन्स शोज होने वाले। इट इज़ अ पार्क, प्रॉपर पार्क, इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। सभी लोग मिलकर लाइक कर दो एंड लेट्स बिगिन द व्लॉग विद बीडी बॉय। हेलो, चलो बाय। बीडी ने कभी मस्त डायलॉग मारा है, पहले दिन पहली राइड भी हमारी फॉर्चुनर में थी और आखिरी दिन में भी हमारी फॉर्चुनर में ही होने वाली है, बिकॉज बहुत सारा सामान जो पीछे रखना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि जू से डायरेक्टली हमारे एयरबीएनबी से डायरेक्टली एयरपोर्ट पूरी ही एक कैब कर लें तो इजी हो जाएगा। सो ऐसा प्लान है फिलहाल के लिए। ओवरऑल इन 7 दिनों में थाईलैंड में बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला कभी चले गए, एंड आई रियली रियली वॉन्ट टू एक्सटेंड द ट्रिप। बट यार अभी मम्मी वगैरह की, घर के खाने की, गांधी जी की, सबकी याद आ रही है। सो या हम लोग अभी मिलते हैं जू पहुंचने पे, बाय। ऑलराइट, व्हाट अप मैन, वी हैव रीच्ड फाइनली। आज मैंने यार पूरा ग्रीन ग्रीन पहना, एकदम कैमोफ्लेज हो रहा हूँ मैं बैकग्राउंड के साथ। वहाँ पर बीटी लाइन लगा रहा है और यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ। जो भी लाइन पहले पहुँच गए हम लोग फटाफट टिकट लेंगे। 1500 बात पर पर्सन, विच इज़ अराउंड 3,200-3,500 रुपीज़। सो या मिलते हैं फटाफट यहाँ पर। सफारी एंड मरीन दोनों पार्क का कॉम्बो 1500 बात में मिल रहा है। सिर्फ सफारी करना है तो 1000 बात, और सिर्फ मरीन करना है तो 1300 बात, और उन दोनों का कॉम्बो मिल रहा है 1500 बात में। अच्छा है, ऑफ़र है, कर लेते हैं। एंड या बस हमें बस खाली प्रॉब्लम ये है कि अभी बज गए हैं 10:30, हमें 4 बजे तक ही मैक्स है हमारे पास। 4 बजे हमें कार में बैठ जाना है वापस, तो टाइम बहुत कम है। सो निकलते हैं फिलहाल। हम लोग एंटर करके हमें सबसे पहले यहाँ पर मरीन पार्क दिख रहा है। बीटी वहाँ पर अभी पूछने गया है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए पहले अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन पार्क वगैरह सब कुछ है। हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, ओ नागपुर। आते ही अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर इतने बड़े बड़े पैरट दिखे हैं। इन्होंने पूरा अंदर पैसा कमाने का इन्होंने इस सब चाल चलाया ना कि हर एक एनिमल के साथ अगर आपको क्लोजली फोटो खींचना है, देर इज 750 रुपीज़ फॉर वन फोटो। वैसे यहाँ पर इस पूरे गार्डन में कितने एनिमल्स हैं, हर एक के साथ ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ तो है ही। बाकी इट इज़ अमेजिंग, लुकिंग अमेजिंग, एवरीथिंग इज इतना अच्छे से सब स्टे कर रहे हैं, उड़ रहा है यहाँ से वहाँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन देखी थी कि यहाँ पर डॉल्फिन शो वगैरह सब कुछ होने वाला है, और हम लोग मरीन में आए सबसे पहले तो होगा ही, स्टंट शो वगैरह सब कुछ है। आगे बोल रहे हैं एलिफेंट राइट साइड, कुछ तो ये हाइब्रिड घोड़े लग रहे हैं गाइस, देखो। अबे ऐसे लग रहा है गेम में होते हैं ना, फार्म विला में। ऑल राइट, सो हम लोग क्रोकोडाइल व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं।
होपफुली हम यहाँ पर क्रोकोडाइल देखे। अभी अटका हुआ है एकदम, स्टैचू मुंह खोल के बैठा है अभी नीचे अपने। ओह ये तो नीचे बैठा है लिटरली। हम लोग ने आज तक डिस्कवरी वगैरह में ही देखे हैं। सो गाइस अभी मैंने टिकट ली, अभी हम लोग जाने वाले हैं एक टाइगर के बच्चे को हाथ लगाने के लिए और फोटो खींचने के लिए। नेक्स्ट वन अल्फा सर से हाथ घुमाना उसके। अरे उसका हाथ पकड़ के रखा था उसने एकदम, उसके नाखून नाखून हल्के हल्के चुप रहे थे वैसे। हाँ भाई दो यहाँ पर देखो बड़ा वाला भी अंदर। तेरा वीडियो एक खींचा मैंने, बहुत अच्छा आया वीडियो भाई, हाथ कांप रहे थे पहली बार। आगे चलते चलते हम आ रहे हैं और हमें को लगा कि ये तो एक स्टैचू होगा, बट लुक एट दैट गाइस, वो पोज दे रहा है जबरदस्त, हिल ही नहीं रहा है, स्टैचू लग रहा है लिटरली, बट हल्के हल्के पंख हिल रहे हैं आप देखोगे तो। भाई क्या ऐसी कैसी चीजें हैं भाई जो आज तक नहीं देखी हमने। ठीक है चलो भाई, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पसीने पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा अभी। सो लेफ्ट साइड है हमारे बर्ड शो, बट आगे अभी है ना एलिफेंट वाला शो स्टार्ट होने वाला है, सो वी हैव टू रीच देयर ऑन टाइम वरना फिर सीट्स फुल हो जाएंगी। व्हाट इज दैट? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो नहीं 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 फ्लेमिंगो नहीं, फ्लेमिंगो पिंक होता है, माय बैड। नाम नहीं लिखा है यहां पर, कुछ और होगा। ओ बहुत ही जमो यार, दिस इज नॉट गुड। अभी ये लोग फिश रख सकते हैं बहुत अंदर तक, इनके पैर ना ऐसे फैले हुए तो स्विमिंग कर पा रहे हैं अच्छे से। वी आर रशिंग टूवर्ड्स एलिफेंट शो, अभी 11 बज चुके हैं, 11 बजे स्टार्ट होने वाला था। एंड मैं एक चीज़ अच्छी देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं तो अच्छा लग रहा है। स्टार्ट हो चुका है शो 11 बजे का और अभी 11:05 हो गई, 11 हाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। अब आके आए हम। ओ भाई सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, भागम दौड़ आए हैं यहाँ पर। भाई वो जिसपे खड़े थे वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना, कितने के लोग होंगे ये सारे? भाई 700-800 के लोग तो होंगे ही लग रहा है। शो कंटिन्यू हो रहा है अभी, हर एक सेट में हर एक राउंड में दो दो तीन तीन एलिफेंट्स आ रहे हैं और अपना अपना कुछ कारनामा दिखा रहे हैं, तो ये एलिफेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। क्या लगता है कौन सी देखा था बिल्ली? रेड पे 50,000। हाँ ब्लू पे 50,000। हाँ हाँ देख मुंडी हिलाते कर रहा है वो। रेडी से रेड आ गए, रेड आ गए, रेड आ गए, तो रेड का अग्री बॉल आने वाला है, एक बॉल एक्स्ट्रा है। रेड जीता 50,000 50,000। भाई कैसे कैसे एलिफेंट्स को ट्रेन करा है देखकर भाई माइंड ब्लो हो गया मेरा तो लिटरली। इट इज अमेजिंग एज वेल एज थोड़ा सा बैड एज वेल। चलो हम आगे आते हैं, फिलहाल मिलने आ रहे हैं। भाई बहुत धूप है बट डेफिनेटली वर्थ इट है यहाँ पर आना।
पूरा देखो पसीना पसीना हो गया हूँ वो पानी में चला गया फिर वापस ऊपर आ रहा है मैं कर रहा यार सो राइट आगे बढ़ते हुए हम अभी एक टनल के अंदर है जिसके आगे है स्पाई वॉर आई डोंट नो व्हाट इज दिस एक्चुअली चालू होने वाला है 11:45 को विद इन 15 मिनट चालू होने वाला है देखो M249 है अपनी गॉड वाली M249 है भाई गॉड वाली देख रहा है और इसकी ओम है अंदर स्नाइपर देखते हैं क्या अभी भाई लेट्स गो हम लोग स्टेयर से यहाँ भी टॉप पे आ गए एकदम इट इज गोइंग टू बी फन मरमेड शो है क्या जहाँ पर एक पूरा एक कहानी बताया जाता है फाइटिंग होती है रोमांस होता है ऐसा कुछ है तो एंजॉय करो कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा स्टार्टिंग में बिल्डअप हुआ और एंड में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि कहाँ कहाँ देखे समझ ही नहीं आ रहा था सो इट वॉज वेरी फन बट अच्छा था मज़ा आया बाय द वे जो एक्टर्स थे अंदर और देखो पता है वहाँ पर लोग शायद फाइट कर रहे थे ना ठुश ठुश आवाज़ आ रहा था वो शायद रिकॉर्डेड था भाई तो सोच उस ठुश पे मारना कितना हार्ड होगा लाइक उस साउंड इफेक्ट पे खाली फाइट करने का या फिर पंच मारने का कितना हार्ड होगा वाओ डिफिकल्ट बहुत बहुत बढ़िया नेक्स्ट हमें फ्लेमिंगो दिखे हैं यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल है भाई किसी एकदम एस में रखा है उन्होंने देखो अपना पूरा चोंच और गला है एस में रखते हैं ये लोग भाई पीछे देखो कितनी सारी दो बजे खाना चलो चलो, चलो। यहाँ पर सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ आए हैं फैमिली ट्रिप बनाने के लिए बहुत सारे इंडियंस भी आए हैं प्लस स्कूल ट्रिप्स भी यहाँ पर हो रही है बिकॉज सारी चीज़ें सेफ है यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है अब तक तो इतने सारे एनिमल्स हम लोग ने देखे हैं अब हम लोग थोड़ा रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं ओ वहाँ पर देखो बिल्कुल यार अंदर हाँ अरे तो फोटो की जगह तो कपड़े वपड़े पहनता है वो ओ भाई सारे पैरट्स वगैरह यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ देखो डियर्स वगैरह हैं डियर डियर तो हमारे नेशनल पार्क में भी बहुत सारे हैं हाय डियर हम लोग अभी फिलहाल ढूंढ रहे हैं डॉल्फिन शो बिकॉज हमने सुना है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तुम लोग सोच भी सकते हो कि डॉल्फिन को कैसे ट्रेन करते होंगे लोग ऐसा आना है वैसा आना है कैसे कैसे करता होगा इंसान भाई हम लोग लिटरली नीचे से चल के आए हैं यहाँ पर सो देट यहाँ पर टाइगर नोटिस कर पाए वो देखो सीधा आंखों में दिख रहा है मेरे
यहाँ से हमें अंदर से जाना है। मैं ट्राई करता हूँ ब्लॉक करने का। ओ भाई डॉल्फिन शो एंड लकीली वी आर वेरी वेरी अर्ली। हम लोग लिटरली 15-20 मिनट्स पहले आ चुके हैं यहाँ पर। लेट्स गो बिडी बॉय। चलो 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 भाई, यहाँ पर तो डॉल्फिन शो स्टार्ट होने का सिर्फ 2-5 मिनट बाकी है और यहाँ का लोकल गाना बजा रहे हैं जो सारे बच्चे लोग गा रहे हैं। कितना ट्रेन करना पड़ा होगा एंड डॉल्फिन कितनी स्मार्ट होती होंगी भाई। बीटी बोल रहा है डॉल्फिन बहुत स्मार्ट होती है, बहुत जल्दी ट्रेन कर लेते हैं। मे बी ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। अभी वहाँ पर फोटोज वगैरह खींचेंगे। वी हैव टू लीव एयरपोर्ट बाय 4 PM। अभी बजे हैं 1:48 और इससे पहले हम जा रहे हैं सफारी पे। सफारी अभी हमारा बहुत हो गया, सारे शोज खत्म हो गए हैं, एक दो शोज बाकी हैं बट वो लेट होने वाले हैं तो हम लोग को लेट हो जाएगा एयरपोर्ट के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग बस में सफारी, डायरेक्ट शायद जंगल में लेके जाएंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। नाना करते हुए भी हमने एक और 400 बात की टिकट ले ली है। टू क्लिक अ फोटो विद डॉग खेलवा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो हो ऐसा रहा है कि वो वहाँ से मछली फेंकते हैं यहाँ तक एंड शी कम्स हियर एंड देन शी टेक्स अ फोटो, फिर एक दो फोटो लेके वापस वो मछली वहाँ जाएगी, वहाँ पर वो खाएगी एंड देन शी अगेन कम्स हियर। मछली के चारे की वजह से वो यहाँ पर आती है। देखो देखो नीचे से आ रही है और एक ऊपर आ रही है। उनकी आ जाती है बट कभी कभी जिद करती है कि मछली। देखो वो वाली बहुत चिल्ला रही है, उसको पता नहीं दर्द हो रहा है या क्या, आई डोंट नो। हाँ ऊपर थोड़ी जिद्दी लग रही है, देखो वो आवाज़ कर रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ रहा हमारा डॉल्फिन शो। हमारे फोटोज ही बहुत अच्छे थे। उसकी स्किन जो थी ना एकदम स्मूथ लाइक रबर के ऊपर हल्का सा कैसा ऑयल बोल हाँ रबर के ऊपर ऑयल लगा के कैसा स्मूथ रहता है वैसा लग रहा था। बहुत मज़ा आया, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, डेफिनेटली वर्थ इट। बट 950 रुपये एक फोटो के खाली इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट ठीक है, इट्स वन टाइम एक्सपीरियंस। क्या बोलता है
थोड़ी और साल खिंचवाना है, 3-4 साल तो अभी दिखेगा नहीं कुछ। ऑल राइट वाला हम लोग बैठ चुके हैं अभी सफारी, जिसके ये मतलब एक काइंड ऑफ एसी बस है जहाँ पर हम लोग को ये लेके जाएंगे। सुनने में ये आएगी हम लोगों को अलग अलग एनिमल्स देखने के लिए लेके जाएंगे पूरे जू के अंदर। सो नाउ लेट्स सी कहाँ कहाँ क्या क्या मुझे दिखता है, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी 40 मिनट्स का राइड, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम वेरी टायर्ड, हेडेक चालू हो गया, इतना भागा, इतना गर्मी, इतना पानी ठंडा ठंडा पिया है ना कि हेडेक चालू हो गया मेरा। एंड हमारी फ्लाइट के लिए हम लोग काफ़ी H2H चल रहे हैं। जैसे ये ख़त्म होगी 40 मिनट्स का बस राइड, वैसे ही हमें 10-15 मिनट में निकलना होगा एयरपोर्ट। सो या मिलते हैं। ज़ेब्रा, मेरे हिसाब से ज़ेब्रास तो कहीं से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ज़ेब्रास आर क्रॉसिंग। ओ राइनोस गाइस, यहाँ पर राइनोस हैं अभी। मैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ दो एनिमल्स देखने में, एक है पीकॉक और एक है टाइगर। दोनों को देखना है मुझे, वो कहाँ हैं कैसे हैं। बाकी ये सारे भी बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, बट मेरे दो फेवरेट वो दोनों हैं। मैंने और बीटी ने यहाँ पर अभी राफ्ट बनाई है, फिर थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो अभी एक बीच में वो मिला, अभी बीटी पाइप पाइप एकदम सेम है, देखो कि लिटरली जो पता है हम बड़े बड़े पाइप एक्सटेंड करते थे। और ये देखो पानी साफ करने के लिए या फिर कुछ तो क्लीनिंग करने के लिए है। चलो बाहर जाके हेलो करके आते हैं। बहुत प्यारा भाई, बहुत एक्चुअली तुमको गाइस एक बात बताओ, ये देख के मैं इतना चौक नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में देखा है वाइल्ड लाइफ में लायन कैसे बैठते हैं। मैं और अरफा बहुत सालों पहले गए थे दीव दमन, तो वहाँ पर हमने सिर्फ लायन देखा था, टाइगर नहीं देखा था। तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर टाइगर, लाइक बेयर आईज से देखे थे हमें, ग्लास वगैरह हाँ कंपाउंड ऊपर कुछ एकदम मैं जीप में। अब मैं लिंक डाल देता हूँ ना वो ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में, वो साले ब्लॉग की लिंक डाल दूंगा, जरूर चेकआउट करना। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेशनल एनिमल टाइगर। बॉय लुक एट दोस टाइगर्स, वाओ बाप रे, इतना क्लोज से देख रहे हैं कितने टाइम बाद। अभी को प्यार कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। अबे वो पानी में गया है टाइगर, देखो पीछे। चलो यहाँ पर सारे के सारे टाइगर्स ओपन है, अच्छा लग रहा है, बट थोड़े कीचड़ वीचड़ में है, उनको भी शायद अभी बहुत गर्मी लग रही होगी, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखकर। ज़रूर यार आप लोग में से कितने लोग सफारी में गए हो या फिर आप लोगों ने किसी ने एनिमल्स देखे हो जू में, तो ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा लगा सारी चीज़ें। आपका एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो, तो मुझे भी फील होगा कि यार मज़ा आ रहा है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो मैं यूजुअली ऐसा कुछ लेता नहीं हूँ, बट ये काफ़ी फैंसी दिखा मुझे, तो मैंने बोला कि चलो अभी वैसे भी एंड हो गई ये ट्रिप, तो घर पर चलते हैं ये पीते पीते आराम से चिल करते करते। आजा बेटा आउट्रो। आई होप यू एंजॉयड दिस सफारी वाला व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बीटी। और मैंने लास्ट डे एंड फाइनल आवर्स इन थाईलैंड गाइस, फाइनल आवर्स, बट आई एम मिसिंग माय कंट्री। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जब भी इंडिया के बाहर जाऊंगा तो मेरे को याद नहीं आएगी, बट आई रियली आई एम मिसिंग माय होम, माय रूम एंड माय डॉग एंड माय बेड, एंड माय बेड सोना है मुझे और मम्मी के हाथ का बहुत सारी चीज़ें यार। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, आई होप यू एंजॉयड, डू यू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं ऐसे ही एक भाई, आई एम मिसिंग माई बार्बर एज़ वेल, पता है हेयर कट मेरा करना ज़रूरी है। चलो लव यू ऑल गाइस, सायोनारा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जब हम लोग यहाँ से मुंबई जाएंगे, एंड जाते जाते नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है। बाय। Canción. Lunes.